हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। वहीं यूक्रेन की यात्रा से लौटते वक्त प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरा। यहां करीब 46 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का विमान पाकिस्तान की स्पेस में रहा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 46 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा। इससे वहां के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि सद्भावना के बिना ही पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन से लौटते वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पोलैंड की एक हाई प्रोफाइल यात्रा से लौटते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के माध्यम से पीएम मोदी ने 46 मिनट की अप्रत्याशित यात्रा की। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री मोदी ने सद्भावना संदेश देने की परंपरा को भी दरकिनार कर दिया। उनके इस फैसले ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बारे में फिर से चर्चा शुरू कर दी। हालांकि विमानन उद्योग के एक सूत्र ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि सद्भावना का संदेश एक परंपरा है, न कि मजबूरी। सूत्र ने कहा, इसके अलावा पीएम मोदी जैसे ही भारत पहुंचेंगे, इससे उनको अपने आलोचकों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये बातें। वहीं पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूत्रों के हवाले से कहा कि यह भारतीय विमान चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अमृतसर में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर से उड़ान भरी। विमानन क्षेत्र के सूत्र के अनुसार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र भारत की वाणिज्यिक हवाई यातायात के लिए खुला था। प्रधानमंत्री के विमान को किसी देश के ऊपर से उड़ान भरने के लिए विशेष सहमति की आवश्यकता नहीं होती है और इसे पूरी अनुमति मिलती है। कुछ मामलों में पीएम के विमान को कॉल साइन आवंटित किया जाता है, उसी तरह जैसे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को ले जाने वाले विमान को पाकिस्तान वन जैसे कॉल साइन आवंटित किए जाते हैं। वहीं भारत की ओर से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाकर 26 फरवरी 2019 के बाद से अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया था। बाद में मार्च में इसने अपना हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खोल दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।